बीएसए फाइनल ईयर के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रायपुर पाली के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम पूर्व ऐतिहासिक कालीन राजस्थान का अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में ऐतिहासिक काल से पहले राजस्थान में किस तरह का जीवन था, किस तरह की संस्कृति और सभ्यता का प्रसार यहाँ हुआ था, इसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि ऐतिहासिक काल से पूर्व के काल को पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पूर्व ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिस काल के बारे में हमें जो जानकारी है वो किसी लिखित स्रोतों से प्राप्त नहीं होती है। इस काल को ऐसे काल को हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो राज जैसे भारत में भी पूर्व ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल और धातु काल या धातु पाषाण काल इस तरह से बांट सकते हैं, उसी तरह से हम राजस्थान के जो पूर्व ऐतिहासिक काल है उसको भी हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सबसे पूर्व में हमारे जो इतिहास की शुरुआत होती है उसको हम कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव ने अपने प्रारंभिक जीवन में जीवन यापन के जिन औजारों का प्रयोग किया, जिन साधनों का प्रयोग किया, वो अधिकतर औजार और साधन पत्थर के बने हुए होते थे। हो सकता है लकड़ी के भी बने हुए हों, परंतु लकड़ी क्योंकि नष्ट हो चुकी है, केवल हमको जो प्राप्त होते हैं, जो साधन जिनकी जानकारी हमको मिलाती है, वो जानकारी मिलती है केवल पत्थर के या पाषाण के उपकरणों के बारे में। इसलिए जिस काल के बारे में हमें पाषाण उपकरणों के द्वारा जानकारी मिलती है या मानव के द्वारा अपने जीवन यापन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पाषाणों का इस्तेमाल किया जाता था उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के बाद में मानव धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होता है, मानव धातुओं से परिचित होता है, धातुओं की खोज करता है और बाद में वो धातु और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करने लग जाता है, उस काल को कम कहते हैं प्रस्तर धातु काल। क्या कहते हैं? प्रस्तर धातु काल। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पाषाण युग या प्रस्तर युग। पाषाण युग राजस्थान की जो पाषाण युगीन सभ्यता है, राजस्थान में वैज्ञानिक आधार पर कई उत्खनन और अनुसंधान हुए जिससे इतिहास व संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजस्थान में पाषाण युग के आदिमानव द्वारा प्रयुक्त 1.5 लाख वर्ष पूर्व के पाषाण उपकरण मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि राजस्थान में जो मानव सभ्यता का विकास है वो लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व हो गया था। कितने साल पूर्व? 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हो गया था। और इस पाषाण काल को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रारंभिक पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब हमारे मन में ये विचार आता है कि इस पाषाण काल को भी अलग अलग भागों में किस तरह से बांटा जाता है और क्यों बांटा जाता है, इसका कारण मैं बता देता हूँ कि जैसे मानव सभ्यता के शुरुआती दिन होते थे, इस शुरुआती जो समय था उस समय जो मानव ने जिन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया था वो पाषाण उपकरण इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, वो मोटे भोंडे है ना, ज़्यादा उपयोगी नहीं थे। क्योंकि जैसे जैसे मानव बुद्धि का विकास होता उन्होंने अपने औजारों को और ज़्यादा अच्छा बनाना शुरू कर दिया। तो मध्य पाषाण काल बाद के काल तक आते आते हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो उपकरण है वो बड़े थोड़े छोटे हो गए और जो पूरा प्रारंभिक पाषाण काल है उस प्रारंभिक पाषाण काल के उपकरणों की बजाय थोड़े से और अच्छी क्वालिटी के बनने लग गए। इससे पता चलता है कि ये जो प्रारंभिक पाषाण उपकरण है जिसको मोटे और भोंडे तरीके के थे वो पूर्व में बने थे, बाद में उनमें सुधार हुआ तो वो मध्य पाषाण काल मतलब वो बाद के काल के हैं। उसके बाद फिर पाषाणों कुछ उपकरण थे उनमें और ज़्यादा सुधार होता है, जैसे कि उनको चमकीला बनना, घिसना, उनके ऊपर पॉलिश करना और अच्छे तरीके से बनाना। तो उस काल को बाद के काल को हम कहते हैं उत्तर पाषाण काल। तो जो पुरापाषाण काल है राजस्थानी इतिहास में या भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में किसी भी काल में है वो तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया, प्रारंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। हालांकि भारतीय इतिहास के संदर्भ में तो हम और ये भी पढ़ते हैं कि प्रारंभिक पाषाण काल को भी तीन चरणों में बांट दिया था, पूर्व प्रारंभिक काल में को भी पूर्व, मध्य और
उत्तर इन तीन भागों में बांट दिया था, फिर मध्य पाषाण काल और फिर उत्तर पाषाण। परंतु राजस्थान में हम मोटे तौर पर तीन जो पाषाण काल है उनको तीन ही भागों में बांटते हैं, प्रारंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो प्रारंभिक पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 5000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। प्रारंभिक पाषाण काल का समय कब माना जाता है? करीब 1.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 5000 वर्ष पूर्व तक के काल को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक पाषाण काल। प्रारंभिक पाषाण काल है यह राजस्थान में मानव संस्कृति का वह उषा काल था जिसमें संस्कृति के सूर्य का उदय प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मानव संस्कृति की शुरुआत कब होती है? प्रारंभिक पाषाण काल में, या जिस समय मानव संस्कृति का प्रारंभ होता है उस काल को हम कहते हैं प्रारंभिक पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। अनुसंधान से पता चलता है कि इस समय मानव यायावर था। मानव जीवन किस तरह का था? घुमक्कड़। यायावर का मतलब क्या है? घुमक्कड़, वो अपने भोजन की तलाश में जंगल में इधर से उधर घूमता रहता था, इधर से उधर जाता आता रहता था, कहीं एक जगह उसका स्थायी निवास नहीं था, क्योंकि उनका जो मुख्य भोजन था उस समय वो या तो जंगली कंदमूल फल खाता था या शिकार करके जानवरों का शिकार, जैसे हिरण, सुअर, भेड़, बकरी आदि का शिकार करके वो अपना जीवन यापन करता था। तो क्योंकि उसका जीवन, क्योंकि अभी कृषि का विकास नहीं हुआ था इसलिए स्थायी जीवन की अभी शुरुआत नहीं हुई थी। तो इस समय का जो मानव है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। वो विभिन्न तरह की नदी घाटियों में इधर से उधर आता रहता था और रास्ते में जैसे जो फल फ्रूट है, फल है, कंद है, मूल है, फल है, ये सभी वो खाता रहता था और साथ ही रास्ते में जो भी अगर कोई शिकार मिल जाता था शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। इस युग के उपकरणों की सर्वप्रथम खोज आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व श्री ए हेकर ने। पूर्व पाषाण काल के उपकरण सबसे पहले किसने ढूंढे? ये बात महत्वपूर्ण है भाई, आप ध्यान रखना। किसने शुरुआत इसकी पता किसने लगाया? सी ए हेकर ने। और कहाँ पे इनकी खोज हुई थी? सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ में। कहाँ पे? जयपुर और इंद्रगढ़ में। वहाँ अश्म पत्थर से निर्मित हस्त कुठार, यह पूर्व पाषाण काल का प्रमुख उपकरण था। हस्त कुठार या हैंडएक्स जो कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है, और यह अभी वर्तमान में कहाँ रखा गया है? कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में। ये क्वेश्चन बन जाता है भाई आपके राजस्थान जीके के हिसाब से कि राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज कहाँ पे हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ में सी ए हेकर द्वारा यहाँ खोज की गई थी। और यहाँ से मिला क्या था? हस्तकुठार। क्या मिले थे? हस्तकुठार। और वो कहाँ पे रखे गए हैं? अभी कलकत्ता में। इसके समय के उपरांत श्री सेटनकार को झालावाड़ ज़िले में, सेटनकार जी को कहाँ मिले उपकरण? झालावाड़ ज़िले में कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली डेक्कन कॉलेज पूना तथा राजस्थान के पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा पाषाण उपकाल के संबंध में अनुसंधान कार्य के इन अनुसंधानों से प्रारंभिक पाषाण काल के मानव द्वारा प्रयुक्त हस्त कुल्हाड़ी या हस्तकुठार या हैंडएक्स, क्लीवर और चॉपर, हैंडएक्स, क्लीवर और चॉपर, ये तीन मुख्य तरह के उपकरण हमको प्राप्त होते हैं पूर्व पाषाण काल के। ध्यान रखना भाई, पूर्व पाषाण काल के तीन महत्वपूर्ण उपकरण कौन से थे? हैंडएक्स, क्लीवर और चॉपर। तो हैंडएक्स या हस्तकुठार क्या है? यह 10 सेमी से लेकर 20 सेमी लंबा नोकदार, एक और गोल और चौड़ा, दूसरी ओर नुकीला व तेज किनारे वाला औजार था। हस्तकुठार या कुठार की तरह या हथौड़े की तरह का यह औजार होता था। ये नोकदार, एक लंबा कितने सेमी? 10 से 20 सेमी नोकदार और एक गोल व चौड़ा तथा दूसरी ओर नुकीला व तेज औजार था। इसका उपयोग जमीन से खोदकर कंदमूल निकालने, शिकार को काटने तथा खाल उतारने में इसका उपयोग होता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण था उसको कहते हैं क्लीवर। पूर्व पाषाण काल का जो दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है वो क्या है? क्लीवर। क्लीवर एक आयताकार औजार था। ये किस तरह का औजार था? आयताकार, जो लगभग 10 सेमी से लेकर 20 सेमी तक लंबा तथा 5 से
लेकर 10 सेमी तक चौड़ा होता था। इसका एक किनारा कुल्हाड़ी की भांति सीधा व तेज धार का तथा दूसरा किनारा होता वह गोल सीधा और त्रिकोण इस तरह का बना हुआ होता था। तीसरा औजार था चौपर। यह एक गोल औजार है, इसके एक और अर्धचंद्र चंद्राकार धार होती है तथा दूसरा किनारा मोटा व गोल होता है जो हाथ में पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये तीन तरह के औजार हमें पूर्व पाषाण काल से मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता का राजस्थान में कहां कहां प्रसार हुआ था। जो पूर्व पाषाण काल था उस समय मानव राजस्थान के किन किन हिस्सों में कहां कहां वो रहता था और कहां कहां से हमें उनके ये औजार और इस संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पूर्व पाषाण कालीन जो संस्कृति का प्रसार है राजस्थान की प्रमुख व सहायक नदियों के किनारे, जैसे हमने शुरुआत में पहले भी मैंने कई बार बताया है कि जो नदी घाटियाँ होती हैं वो सभ्यताओं के पालने कहलाती है। तो अधिकांश जो सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है वो कहाँ पे होता है, नदी घाटियों के किनारे। तो राजस्थान में अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, पाली, टोंक आदि स्थानों से इसके प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। मतलब पूर्व पाषाणकालीन सभ्यताओं के प्रमाण हमें यहाँ यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसका प्रसार मुख्यतः चंबल और बनास नदियों के किनारे। चंबल और बनास राजस्थान की दो प्रमुख नदियाँ जो और सबसे बड़ी नदियाँ हैं चंबल और बनास, तो इनके किनारे पे मानव सभ्यता का विकास हुआ। चित्तौड़ क्षेत्र में इतनी अधिक मात्रा में पाषाण काल के औजार मिले हैं जिससे अनुमान लगता है कि उस युग में यहाँ पाषाण हथियारों का कोई कारखाना रहा हो। पूर्वी राजस्थान में बाणगढ़ और डिकारिया और विराटनगर, बाणगढ़ यहाँ अलवर ज़िले में पड़ता है आजकल तथा डिकारिया और विराटनगर जयपुर ज़िले में, और अलवर जयपुर ज़िला का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हैंडेक्स संस्कृति का पता चलता है। हैंडेक्स संस्कृति मतलब हस्तकुटार संस्कृति, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हस्तकुटार हमको प्राप्त होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के किनारे तथा जालौर ज़िले में रेत के टीलों में पाषाण उपकरणों की खोज हुई है। विराटनगर के कुछ प्राकृतिक गुफाओं तथा शिलाश्रयों की खोज हुई है जिसमें प्रारंभिक पाषाण काल से लेकर उत्तर पाषाण काल तक की सामग्री प्राप्त हुई है। इनमें चित्रों का अभाव है किंतु भरतपुर ज़िले के दर नामक स्थान पर कुछ चित्रित शिलाश्रय खोजे गए हैं जिनमें मानवाकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा आदि तथा सूर्य आदि के चित्रांकन मिलता है। उधर की जो गुफाएं हैं, शिलाश्रय है, वहां से हमें मानवाकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा, सूर्य आदि का चित्रांकन हमको प्राप्त होता है कि इससे पता चलता है कि उस काल का जो मानव था वो जिन प्राकृतिक गुफाओं में या शिलाश्रय में रहता था तो वो अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से उकेरता था। इनको शैल चित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल चित्र भी कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे पूर्व पाषाणकालीन शैल चित्र हमको प्राप्त होते हैं। दूसरा काल है मध्य पाषाण काल जिसका काल है 50,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व। जो पूर्व पाषाण काल था उसका 1.5 लाख से लेकर 50,000 वर्ष, और यह मध्य पाषाण काल जो है उसका काल है 50,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व। राजस्थान में मध्य पाषाण युग का प्रारंभ 50,000 वर्ष पूर्व होना माना जाता है। यह संस्कृति प्रारंभिक पाषाण काल की संस्कृति के कुछ अधिक विकसित थी, किंतु इस समय तक मानो न तो पशुपालन का ज्ञान था और न ही खेतीबाड़ी का। मध्य पाषाण काल तक भी हमें मानव के स्थायी कृषि करने की हमें कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि यह संस्कृति संगठित सामाजिक जीवन से अभी भी दूर थी। इस काल में छोटे, हल्के और कुशलतापूर्वक जो उपकरण प्राप्त हुए इसमें स्क्रेपर और पॉइंट विशेष उल्लेखनीय है। तो दो तरह के औजार हमको इस काल के मिलते हैं, स्क्रेपर तथा पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण थे वो मोटे थे, अनगढ़ थे, थोड़े भोंडे टाइप के थे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मानव बुद्धि का विकास हुआ, वैसे वैसे इनके औजार, जो पत्थर के जो औजार हैं, उन औजारों में भी धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो गया। और इन औजारों में मुख्यतः औजार कौन कौन से थे? एक था स्क्रेपर
तथा दूसरा है पॉइंट। यह उपकरण नुकीले होते हैं तथा तीर तथा भाले की नोक के काम करते थे। स्क्रैपर यह 3 सेमी से लेकर 10 सेमी लंबा आयताकार तथा गोल औजार था। इसके एक अथवा दोनों किनारों पर धार होती थी और एक किनारा पकड़ने के काम आता था। दूसरा है पॉइंट, त्रिभुजाकार स्क्रैपर के बराबर लंबा तथा चौड़ा उपकरण था जिसके नोक तथा अग्रास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह उपकरण चित्तौड़ की बेड़च नदी की घाटियों में, लूनी व इनकी सहायक नदियों की घाटियों में तथा विराट नगर में हमको प्राप्त होते हैं। तीसरा काल है उत्तरपाषाण काल। लगभग 10,000 साल पूर्व से लेकर इसकी शुरुआत होती है 10,000 साल पूर्व से, जब तक मानव ने धातु का आविष्कार किया, जब तक मानव ने धातु का आविष्कार किया तब तक के काल को हम क्या कहते हैं, उत्तरपाषाण काल। इसका प्रारंभ 10,000 वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में उपकरण का आकार मध्य पाषाण काल के उपकरणों से भी छोटा तथा कौशल से भरपूर हो गया। इस काल में उपकरणों को लकड़ी तथा हड्डियों की लंबी नलियों में गोंद से चिपकाकर प्रयोग किया जाना प्रारंभ हो गया। इस काल के उपकरण उदयपुर के बागोर तथा मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों के उत्खनन में प्राप्त हुए। उत्तरपाषाण काल के उपकरणों व अन्य जानकारी की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत के अन्य क्षेत्रों में इतनी अधिक मात्रा उत्तरपाषाणकालीन उपकरण उत्खनन नहीं हुआ तथा उपकरण प्राप्त नहीं हुए। ये एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ जरा कहा उदयपुर के बागोर, ये उदयपुर जो बागोर है ना भाई, वर्तमान में भीलवाड़ा में, कहाँ पे हैं, भीलवाड़ा में, इसको ध्यान रखना, उदयपुर में नहीं है अभी वर्तमान में। और सबसे पहले ये बागोर के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि राजस्थान में पशुपालन के अवशेष, राजस्थान में ही नहीं पूरे पूरे भारत में हम देखें, पूरे भारत में पशुपालन के जो अवशेष है वो अवशेष हमें मिलते हैं बागोर से। पशुपालन है ना, मेरा लिखा नहीं जाता इसके ऊपर सही ढंग से, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। पशुपालन है ना, उसकी जानकारी सबसे पहले जो मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, बागोर में, ये ध्यान रखना। बागोर के अलावा मारवाड़ में तिलवाड़ा है ना, तिलवाड़ा जो नामक स्थान है यहाँ से भी हमें उत्तरपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। तो यह हो गया हमारे राजस्थान का पूर्व ऐतिहासिक काल में पाषाण युग। इसके बाद जो एक युग आता है उसको हम कहते हैं, क्योंकि मानो उसके बाद में क्या होता है कि पाषाण उपकरणों के साथ साथ धातु उपकरणों का भी प्रयोग करना प्रारंभ करता है, इसलिए उस अगले जो काल आता है उसको हम कहते हैं धातु पाषाण प्रस्तर युग। धातु प्रस्तर युग भी हालांकि अलग अलग भागों में बटा हुआ, जैसे ताम्र पाषाण काल, सबसे पहले मानव ने जिस धातु का इस्तेमाल किया वो तांबा था, और तांबे का जो उपकरण है वो साथ ही पत्थर का उपकरण के पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस काल को क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है धातु प्रस्तर युग। तो धातु प्रस्तर युग हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।